लगे, और ये बड़ी बात है कि किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं लगाए हैं। ये इल्ज़ाम जो हैं ये उन्हीं सरकार के सीनियर IAS ऑफिसर ने लगाए हैं, और उन्होंने लेटर लिख के ये कहा है कि यहाँ घपला हुआ है। अगर वाकई LG साहब ये चाहते हैं तो जल्द से जल्द LG साहब खुद अपने उधर से हटना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो जल्दी जल्द एक क्राइम बोर्ड इंक्वायरी करके जो सच झूठा लोगों के सामने लाना चाहिए, जब तक नहीं लाएंगे PDP इस तरह सड़कों पर आपके सामने है। मैं तो नहीं कह रहा ना, उन्हें एक IAS ऑफिसर कह रहे हैं, अब ये ना कह दे वो PDP से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता की स्टोरी दूसरी साइड वाला लिखें, वो बताएं LG साहब बोले, एडमिनिस्ट्रेशन बोले भी जो झूठ है उसकी इंक्वायरी करें। अगर वो इंक्वायरी कर सकते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब वो भी मिले हुए हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द LG साहब को पहले बर्खास्त किया करें, इल्ज़ाम उनके ऊपर है। तो जब तक इंक्वायरी कहाँ से जुड़ गई, रिजल्ट नहीं आ जाता, इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती, उनको इन उधर से प्रतिबंध किया जाएगा। लेकिन उठाएगा जब संयम है कोतवाल तो फिर डर कहेगा, जब सब लोग ये इन्वॉल्व हैं तो कदम कौन उठाएगा? अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो IAS अफसर के ऊपर कार्रवाई करें, वो झूठ को बोल रहा है। जिसने लेटर लिखी है सीनियर मोस्ट IAS अफसर, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। चोरी है जम्मू कश्मीर में हो रही है, आज से नहीं, हम 5/2019 से कह रहे हैं, आज जम्मू के लोगों को पता चल चुका है कि चोर कौन है। हमारा प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट हमारा 3,000 करोड़ का जो स्कैंडल बाहर आया है उसके बारे में है, LG साहब की चुप्पी के बारे में है। LG साहब को सवाल उठता है कि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन हो गए हैं, कौन कौन लोग थे। एक दलित ऑफिसर जो IAS अफसर है, बड़ी कठिन परिस्थितियों में बन वो बड़ा हुआ है, उसने अपनी पढ़ाई की, और एक IAS उसने SC ST कमीशन में कंप्लेंट भी की है बाकायदा नाम लेके। तो ये सब कुछ दर्शाता है जिस किस्म का LG साहब प्रशासन का पूरा रोल है इसमें। LG प्रशासन कर क्या रहा है? LG प्रशासन यहाँ बैठ के अपने यहाँ पे लोकल अफसरों को बाहर कर देता है, सिर्फ उन अफसरों को बीच में रखता है जो उनके साथ सांठगांठ में बैठे हुए हैं। ये 13,000 करोड़ है, कहाँ है ED, कहाँ है CBI, कहाँ है इंक्वायरी, किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म का कंप्लीट ब्लैंकेट इस पे डाला गया हुआ है, किसी किस्म का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? सारी के सारी इन्फॉर्मेशन दबा के बैठे हुए हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि LG साहब का 1 पॉइंट एजेंडा है, और उनके साथ ये इम्पोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन का 1 पॉइंट एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के सारे रिसोर्सेज को खा जाना और जम्मू कश्मीर को तबाह करके यहाँ से चले जाना, यही उम्मीद है। अपने दो चीज़ों को मुक्त करना था, करप्शन मुक्त करना था। करप्शन मुक्त क्या करना है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। BJP के LG साहब की 13,000 करोड़ है BJP के लिए हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर में 31 करोड़ का लोन NPA है JK बैंक के पास। क्या वो NPA अकाउंट में कौन लीडर इन्वॉल्व है? क्या उनके खिलाफ कोई प्रोसीजर शुरू किया, कोई प्रोसेस शुरू की गई है उनके खिलाफ? क्या वो पैसा रिकवर, आपका 31,000 का बैंक लोन NPA हो जाए, आपकी जान ले लेंगे। और बात रही जहां तक नशा मुक्ति, हम सबको पता है कि नशे आजकल कहां से आते हैं। एक कोर्ट है गुजरात में, उसको एक बड़े उद्योगपति चलाते हैं, एक न्यूज़ चैनल भी है उनके पास, वो प्रधानमंत्री के बड़े मित्र हैं, उनके बारे में बात करो तो सबकी जान निकल जाती है। तो नशे कहाँ से आ रहे हैं, और उसी कोर्ट से हज़ारों करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। तो आप ये मत कहिए कि ये स्लोगरिंग को अब आप छोड़ दें, अब मुद्दों की बात है। प्रदर्शन सारा PDP करा रही है, यूथ विंग, ये प्रदर्शन सारा 13,000 करोड़ का स्कैम, एक जल विभाग का सामना आया है, एक IAS ऑफिसर, एक दलित समाज का बेचारा, एक उसने एक बड़ी अच्छी गल की है, जो सामने आया सच ही उन्हें सामने आता, मगर LG साहब ने उसकी कैबिनेट मीटिंग के बिच उसकी बेइज्जती की है सच बोलने वाले इंसान की। आने वाला वक्त मेरी एक गल याद रखियो मोदी साहब, ये जम्मू कश्मीर के बिच भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से उपरा साफ हो जाना है। और एक मैं गल आखी होना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतों हटी, उनके भारतीय जनता पार्टी के अद्धे को ज़्यादा लोग जिन्हें स्कैम किए सेंटर जेल होने, मेरी गल याद रखियो।